Hello friends, welcome to my channel. In the today's video we will see store, grain, paste and their categories. Okay, so let's get started. First paste of a store grain, उसका जो क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं हम कि स्टोर ग्रेन जो पेस्ट होते हैं उनमें किस कौन कौन से टाइप के रहते हैं पेस्ट, मीन्स उनकी कैटेगरीज जो है उसके बारे में आज देखेंगे, अभी देखते हैं. तो फर्स्ट इज़ दैट बेस्ड ऑन इम्पॉर्टेंस, ठीक है, वो कितने इम्पॉर्टेंस हैं उनकी, उसके बेसिस पे फर्स्ट इज़ प्राइमरी फीडर्स एंड अनदर वन इज़ द सेकेंडरी फीडर्स. तो ऑन द बेसिस ऑफ इम्पॉर्टेंस दे आर डिवाइडेड इन टू टाइप्स, प्राइमरी फीडर्स एंड सेकेंडरी फीडर्स. सो जो प्राइमरी फीडर्स रहते हैं दे अटैक फ्रेश ग्रेन्स एंड देयर प्रोडक्ट्स. जो फ्रेश ग्रेन में भी अटैक करते हैं, ये जो फ्रेश मीन्स टू से कि जो फील्ड कंडीशन में जो ग्रेन्स रहते हैं उस पर तो अटैक कर रहे हैं, साथ में उनके जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि गेहूं पे तो अटैक कर रहे हैं, साथ में उसके से जो हमारा आटा बन रहा है और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी अटैक कर रहे हैं. जैसे कि राइस विविल है, पल्स बिटल है, एंग्यूमियस ग्रेन मॉथ है एंड राइस मॉथ है एजेक्ट्रा, जो इतने जो हैं ये सब क्या है प्राइमरी फीडर्स में आते हैं. तो एग्जाम्पल याद रखिएगा क्योंकि एक एग्ज़ाम में एग्जाम्पल ही पूछा जाता है, ठीक. देन सेकेंडरी फीडर्स में दे फीड ऑन लेफ्ट ओवर मटेरियल ऑफ डैमेज ग्रेन बाय द प्राइमरी जो फीडर्स रहते हैं, मीन्स प्राइमरी फीडर्स जो ग्रेन डैमेज कर देते हैं उनको फीडिंग कौन करते हैं, सेकेंडरी फीडर्स करते हैं. तो ये कौन कौन से हैं, जैसे कि सॉ टूथ बीटल्स एंड लॉन्ग हेड फ्लो बीटल, दे आर द डिवाइडेड इन द सेकेंडरी फीडर. एंड नेक्स्ट हमारा है बेस्ड ऑन फीडिंग हैबिट्स, उनकी खाने की जो हैबिट है, प्रकृति है, ठीक है, बिहेवियर के बेसिस पे. तो एक होता है इंटरनल फीडर, जो क्या करेगा इनर पार्ट में अंदर जाके सीड के या जो भी ग्रेन है उसके अंदर के भाग को डैमेज करता है, और एक होता है एक्सटर्नल फीडर. तो इंटरनल में दे फीड ऑन द इंटरनल कंटेंट ऑफ द ग्रेन और कर्नल और सीड्स. एग्जांपल इज द राइस विविल, लेजर ग्रेन बोरर और पल्स बीटल, एंग्यूमियस ग्रेन मॉथ एंड टैमरिन बीटल, ड्रग स्टोर बीटल एंड जो सिगरेट बीटल रहता है वो, ठीक है. इसके अलावा एक्सटर्नल जो रहते हैं, नाम से ही क्लियर है, दे फीड ऑन द सरफेस ऑफ द ग्रेन, बाहरी पार्ट पे ही करते हैं फीडिंग एंड देयर प्रोडक्ट, उसके जो एक्सटर्नली जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उसको ही डैमेज करते हैं, ठीक है. जैसे कि रेड फ्लो बीटल, इंडियन मील मॉथ एंड राइस मॉथ एंड खपरा बीटल, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल फीड. तो ये आपका क्लियर हो गया कि ऑन द बेसिस ऑफ इम्पॉर्टेंस प्राइमरी फीडर्स एंड सेकेंडरी फीडर्स, यहाँ पर एग्जाम्पल मेंशन है आपके. एंड ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग हैबिट्स इंटरनल फीडर्स एंड एक्सटर्नल फीडर. इंटरनल फीडर इंटरनल जो कंटेंट जो रहते हैं ग्रेन के उसको फीड करते हैं, एक्सटर्नल फीडर दे अटैक ऑन द सर्फेस ऑफ ग्रेन और देयर प्रोडक्ट्स एक्सटर्नली इंटरनली डैमेज नहीं करते. इसके बाद हम देखते हैं पेस्ट ऑफ स्टोर ग्रेन में इंसेक्ट्स एंड नॉन इंसेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है. तो जो एक होता है कोलियोपटेरा इंसेक्ट्स और एक होते हैं लेपिडोपटेरा इंसेक्ट्स. तो इसको डिवाइडेशन ऐसे है, जो कोलियोपटेरा इंसेक्ट्स है उसमें आते हैं जितने भी विविल हैं, बोरर, इसके अलावा जो बोरर हैं जैसे कि राइस विविल, लेजर ग्रेन बोरर, सिगरेट या टोबैको बीटल, इसके अलावा ड्रग स्टोर बीटल, पल्स बीटल, टैमरिन या ग्राउंडनट बीटल, रेड फ्लोर बीटल्स, कपरा बीटल, सॉ टूथ ग्रेन बीटल एंड लॉन्ग हेडेड फ्लोर बीटल. तो जो इसमें देखिए जो ब्लू कलर से मेंशन है आपका राइस विविल, लेजर ग्रेन बोरर, सिगरेट बीटल, ड्रग स्टोर बीटल एंड पल्स बीटल एंड टैमरिन बीटल, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, दे आर इंटरनल फीडर्स, ठीक है. तो आपके लिए बता देती हूँ कि ये जो हैं ये 6 इंटरनल फीडर्स हैं. इसके अलावा फिर जो रेड फ्लो बीटल है और खपरा बीटल है, दे आर एक्सटर्नल फीडर्स. एंड सॉ टूथ ग्रेन बीटल एंड लॉन्ग हेडेड फ्लो बीटल, दे आर द सेकेंडरी फीडर्स. तो ऐसे इसका हम क्या कर सकते हैं, एक चार्ट फॉर्म में इसको याद कर सकते हैं कि जो ऊपर के जो 6 इंसेक्ट्स हैं वो क्या हैं, इंटरनल हैं और प्राइमरी फीडर्स हैं. नेक्स्ट जो हैं जो रेड फ्लो बीटल एंड खपरा बीटल, दे आर एक्सटर्नल और प्राइमरी, ठीक है. और जो लास्ट हैं ये सेकेंडरी हैं, ओके.
इसके अब हम देखते हैं लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट्स में कौन कौन से हैं। तो इसमें राइस मॉथ, इंडियन मील मॉथ, फिग या आलमंड मॉथ, मेडिटेरियन फ्लोर मॉथ एंड कोका जो मॉथ रहते हैं, ये एक्सटर्नल फीडर हैं। ठीक है, याद रखिएगा एक्सटर्नल है ये। इसके अलावा एंग्यूमियोस ग्रेन मॉथ जो रहता है ये इंटरनल फीडिंग करता है। और नॉन इंसेक्ट्स में कौन कौन से पेस्ट आते हैं, तो वो रहता है माइट्स एंड रेट्स, मतलब चूहे और जो दीमक रहते हैं वो आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पेस्ट ऑफ स्टोर ग्रेन में इसके सोर्स क्या हैं और इन्फेस्टेशन का प्रकार क्या है, मीन्स द सोर्स एंड द काइंड ऑफ इन्फेस्टेशन। ओके, तो फर्स्ट है फील्ड में इन्फेस्टेशन, फील्ड कंडीशन में अटैक करते हैं और वो अटैक क्या रहता है, स्टोरेज कंडीशन तक साथ ही साथ चला आता है। तो फर्स्ट इज़ दैट फील्ड इन्फेस्टेशन, सेकेंड इज़ दैट आप ना जब इन डिसीज़ की बात करेंगे तो इन्फेक्शन बोलेंगे, जब आप इंसेक्ट की बात कर रहे हैं वहाँ पर आप इन्फेस्टेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, सेकेंड इज़ दैट क्रॉस इन्फेस्टेशन। क्रॉस इन्फेस्टेशन में क्या है, स्टोरेज ऑफ फ्रेश ग्रेन अलॉन्ग विद द इन्फेस्टेटेड ग्रेन्स, मतलब जो इन्फेस्टेटेड ग्रेन है, मतलब ऑलरेडी अटैक है जिसमें पहले से इंसेक्ट का, उस अच्छे उस मतलब ख़राब ग्रेन में हम जो डैमेज ग्रेन है उसके साथ अगर हम अच्छे ग्रेन को क्रॉस मतलब रख रहे हैं, मीन्स उसको क्रॉसिंग कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, क्रॉस इन्फेस्टेशन क्रिएट।